21st फेडरेशन कप फाइनल डे और अमोज हमारे साथ वापस है। सब लोग इनको पहचानने लग चुके हैं अब तक। 400 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है जिन्होंने अमोज। हम सब ने देखा रेस के अंदर लास्ट के टाइम पे आप हल्का सा पीछे थे और जो आपने उसके बाद जान से जो भागे हैं, मैं देख रहा था कि आपके ओपोनेंट सबको ऐसे लेफ्ट और राइट करके देख रहे हैं कि ये कौन है ये लड़का। हम जानना चाहते हैं कि कैसे, मतलब लास्ट के उस टाइम के आप कितना फोकस था आपका उस तक? फोकस तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये सोच रहे थे कि फर्स्ट आना है तो वहाँ नहीं कर पाए आगे। तो जो फर्स्ट आना है तो आप जब दौड़ रहे हो तो एनर्जी कहाँ से निकल कर आती है? एनर्जी तो बहुत बच हुई थी कि स्टार्टिंग वहाँ से 200 तक तो स्लो गए थे तो जान बहुत बची थी तो अंदर था। तो आप ये आपकी स्ट्रैटेजी थी कि जब जी थी हो गया वो अच्छा स्ट्रैटेजी थी हो गया। और ऐसा कितनी बार हो चुका है आपके साथ? पहली बार ही हुआ। ये पहली बार ही हुआ है तो अब घर में ऐसे मतलब खूंटे कितने कम रह गए कि मतलब जिसके पर गोल्ड मेडल और टांगे जा सकते हैं? अभी तो खत्म ही हो गए। खत्म हो गए तो और नए लगाने पड़ेंगे आपको। अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमोज अकेले रेस में नहीं उतरते, अमोज के साथ उनकी पूरी टीम उतरती है। अमोज के साथ जो उनके दोस्तों का ग्रुप है, मैं सब लोगों को चाहता हूँ कि अमोज के पूरे तो अच्छा अमोज के बारे में हमें कुछ पता लगा है कि जैसे ये स्कूल के टाइम के अंदर थे तो अब ये समोसे चुरा के खाते थे इनके। समोसे के साथ चटनी भी खाते थे, चुरा चुरा के चटनी भी चुराई जाती थी कैंटीन से। अच्छा बट और हम और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टीम है, इस पूरी टीम का एक जो कलेक्टिव आता है उसी कारण हमें लगता है कि अमोज इतना अच्छा परफॉर्म करता है। मैं अमोज के खास दोस्त से एक बार बात करना चाहूंगा कि आप हमें कुछ बताएंगे अमोज के बारे में। अमोज नेचुरली साई गाय है, बिल्कुल रिलैक्स रहता है, कंपटीशन से पहले ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता है और इसका पूरा फोकस होता है गेम के ऊपर कि मुझे कैसे भागना है, क्या खुद अपने दिमाग के अंदर बनाता है, कोचिज की बातें सुनता है। जो इसके साथ हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हमारी बातें सुनता है, अगर हमारी बात नहीं सुनता। इसके अंदर एटीट्यूड नाम का कोई चीज़ नहीं है कि मैं प्लेयर हूँ, मैं इंडिया लेवल का हूँ या मैंने इंटरनेशनल मेडल ला रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहता है। ये मैं नहीं, इसके स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स और जो हम लोग हैं, आप सबसे पूछ लीजिए। तो अमोज और अमोज की पूरी टीम का ड्रीम है और या AFI का भी ड्रीम है कि अमोज 2020 ओलंपिक्स के अंदर भाग ले। तो AFI और स्पोर्टिंग इंडिया की तरफ से अमोज और अमोज की पूरी टीम को एक बड़ा सा सल्यूट। थैंक यू सो मच। दिस इज चिराग सिंघल साइनिंग फॉर AFI एंड स्पोर्टिंग इंडिया। थैंक यू।